जय दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग लेवल टू में क्वेश्चन नंबर 123 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है आप लोगों को थोड़ा सा एक बात बता देते हैं कि अगर आप मैथ से पीड़ित है, वाकई में बहुत कमजोर है, तो आपको जो है इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का भी जो है चैनल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जो है ना इस चैनल को फॉलो करते रहिए और कंटिन्यू जो है ना इस वीडियो को देखते रहिए। इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आपको जो है ना जाएंगे, बहुत ही बेनिफिट जो है आपको पहुंचाएगा। और आप जो है ना कोई भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, कोई भी जो है ना अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ना कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसमें जो है ना इस टाइप के प्रश्न ढूंढिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। और मैथ जो है वैसे भी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो आपको जो है ना यकीनन बहुत ही जबरदस्त जो है आपका मैथ हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोरिंग होने लगेगा। क्योंकि आप जो है जब आप जो है ना वीडियो इधर उधर जो है ना देखने लगते हैं, दूसरे दूसरे चैनल को फॉलो करने लगते हैं, तो आपको जो है ना कुछ जो है समझ में नहीं आता, खिचड़ी बन जाता है, हौच-पौच बन जाता है। इसीलिए जो है आप एक चैनल को फॉलो कीजिए और जो भी जो है ना वीडियो है आप उसको जो है ना बहुत ही सीरियस रूप से देखने की कोशिश कीजिए। आपको पूरा मैथ बिल्कुल फ्री में जो है ना इस चैनल से मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में सारे जो है चैप्टर का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जो है ना सारा क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करवाया जाएगा। जो भी जो है ना वीक से वीक स्टूडेंट है उसको भी जो है ना बहुत फायदा करेगा, जो बेहतरीन मैथ में बेहतरीन है उसका भी बहुत बेहतरीन जो है ना आपको फायदा करने वाला है। इसलिए जो है आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको जो है ना पूरा मैथ फ्री में पढ़ा दिया जाएगा, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो है ना रूट अंडर टू और नुकीला वाला भाग में क्या है थ्री है, रूट अंडर फोर फिर रूट अंडर टू फिर नुकीला वाला पोर्शन में क्या है थ्री है फिर जो है फोर है और इस तरह से जो है ना डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो इसका मान निकालना है, क्या निकलेगा इसका मान, तो देखिए इसको हमने मान लिया एक्स, इसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो स्क्वायर रूट का साइन है तो हम जो है ना दोनों साइड में क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये रूट अंडर गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू इंटू थ्री फिर जो है उसके बाद फोर हो गया, फिर उसके बाद जो है ना टू का स्क्वायर रूट, फिर जो है ना फोर का क्यूब रूट, फोर का क्यूब रूट निकालेंगे, फिर उसके बाद देखिए डॉट डॉट आगे तक है। अब उसके बाद देखिए यहां जो है ना फिर जो है ना घनमूल है, यहाँ यहाँ क्या है घनमूल, अब दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं घनमूल निकालते हैं। जब हम घनमूल निकालेंगे तो तीन दुना क्या हो जाएगा छह हो जाएगा, अब बराबर में दो के पावर तीन कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, और इसका जो है ना ये वाला घनमूल इसका जो है ना चार निकलेगा और गुणे फिर जो है ना इसको जो है जैसे तैसे लिख देंगे टू इंटू चार का घनमूल डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसी तरह से जो है ना ये वाला बार बार रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए वैसा ही आ गया कि नहीं, रूट अंडर टू फिर फोर का क्यूब रूट फिर जो है ना रूट अंडर टू आएगा फिर जो है ना फोर का क्यूब रूट, तो इस तरह से जो है ना बार बार इनफाइनाइट तक रिपीट करता चला जाएगा। तो आठ चौका कितना हो गया बत्तीस हो गया, और इसका मान हम क्या माने हैं एक्स, इसका मान हम एक्स माने, इसका मान क्या है एक्स है, इसका मान क्या है एक्स है, यहाँ देख रहे हैं एक्स है, तो एक्स लिख दिए। अब उसके बाद देखिए एक्स पावर छ है, तो ये जो है ना एक्स एक्स यहाँ से जो है ना एक्स पावर छ से कट गया, यानी कि जो है ना डिवाइड में बेस समान तो पावर घट जाता है ना, इस एक्स को नीचे में लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कि जो है ना यहाँ से नहीं समझे तो चलिए यहाँ छोड़िए देते हैं, ये एक्स को जो है ना अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ से खत्म हो गया एक्स, तो क्या हो गया डिवाइड में बेस समान तो पावर घट जाता है ना, एक्स पावर पांच हो गया और बराबर में कितना हो गया बत्तीस हो गया, बराबर में बत्तीस। अब देखिए अब जो है ना एक्स पावर पांच है और यहाँ बत्तीस को लिख सकते हैं ना दो के पावर पांच, तो देखिए पावर बराबर के दोनों साइड में पावर समान हो गया, इसलिए बेस भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा दो, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन कहता है 243 के पावर क्या है एन बाई फाइव है गुने तीन के पावर कितना है टू एन प्लस वन, बटन क्या हो गया नाइन के पावर एन गुने थ्री के पावर एन माइनस वन का मान क्या होगा, ये एसएससी सीजीएल में 2014 में पूछा गया था। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हर जगह पर जो है ना आपको मिनिमम यानी कि स्मॉलेस्ट बेस जो है हर जगह पर थ्री दिख रहा, ठीक है, तो सबको जो है ना थ्री
के बराबर कर देते हैं तो 243 है, तो इसको भी जाना 3 के पावर 5 कर देंगे तो 243 हो जाएगा, 81 तीर का 243 हो जाएगा। तो देखिए 3 के पावर क्या कर देते हैं, 3 के पावर 5 और कंप्लीट टू द पावर क्या है, पहले से n / 5 है, यहां पर गुना का साइन छिपा हुआ है, n / 5 गुने, फिर देखिए 3 के पावर कितना हो गया 2n + 1 बट्टा में हो गया क्या 3 के पावर 2n, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 जो है ना 9 हो जाएगा और n पहले से है तो 3 के पावर 2n गुने 3 के पावर क्या हो गया n - 1। अब उसको देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब गुना में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो पावर जोड़ देंगे। अब देखिए यहां जो है ना n पावर है तो 3 के पावर क्या हो गया n + 2n + 1 अब बट्टा में क्या हो गया, बट्टा में हो गया गुना में बेस समान तो पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2n + n - 1। अब उसके बाद देखिए यहां भी जो है ना डिवाइड में बेस समान तो पावर घटा देंगे तो ऊपर में क्या हो गया 3 के पावर यहां हो गया 2n और एगो n 3n 3n + 1 बट्टा में क्या हो गया 3 के पावर 3n 3n - 1 हो गया। अब देखिए डिवाइड में बेस समान तो पावर क्या होगा घटेगा तो पावर घटेगा तो क्या हो गया 3 के पावर 3n + 1 ये हो गया प्लस वाला ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3n + 3n कैंसिल हो गया 1 2 हो गया तो 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 3 के पावर 2 यानी 9। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो देखिए रूट अंडर 3 + 1 * 10 + रूट अंडर 12 * रूट अंडर 12 - 2 * रूट अंडर 5 - 3 है। तो कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर हम इसको गुना कर देंगे ना तो काफी लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा। तो आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन अगर एसएससी सीजीएल में देख लीजिएगा तो अगर आपको जो है ना सॉल्व करने नहीं आता है और इस क्वेश्चन का आप नहीं समझ पाइएगा तो यकीनन में जो है ना बहुत टाइम टेकन ले लीजिएगा आप और जो है ना ये क्वेश्चन भी जो है ना लास्ट में इसका आंसर भी गलत ला दीजिएगा और आता हुआ क्वेश्चन जो है ना आपसे छूट जाएगा और इस वजह से आप जो है फेल हो जाइएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना जब पर भी मिलेगा तो सबसे पहले जो है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है ना ढूंढने की कोशिश करेंगे, पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे तो देखिए इसका पेयर जो है ना इसके साथ में बन जाएगा और इसका पेयर जो है ना आपका इसके साथ में बन जाएगा। तो देखिए रूट अंडर 3 + 1 हो गया * ये इसको हम यहां पर ला देते हैं, ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 = 12 और 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 = 12 ना 4 3 = 12 लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 और रूट अंडर 3 हो गया तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 * रूट अंडर 3 माइनस क्या हो गया ये 2 को बाहर में 2 को बाहर में डायरेक्ट जो है ना हम कॉमन निकाल ले रहे हैं क्योंकि 2 रूट 3 होगा और माइनस 2 होगा तो 2 को हम बाहर में निकाल लिए तो क्या बचेगा यहां पर 1 बचेगा। फिर उसके बाद देखिए इसको हम इसके साथ में मिला देते हैं तो यहां पर 10 है ना तो 5 * 10 और यहां जो है 5 * 10 और यहां पर हो गया 4 4 * 12 जो कि इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 * 5 + रूट अंडर 3 यहां पे 2 जो है ना हम कॉमन निकाल लेते हैं डायरेक्ट ठीक है क्योंकि 5 * 10 हो गया और इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा 2 रूट 3 होगा तो 2 से 5 गुना करेंगे 10 और 2 रूट 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए और उसके बाद जो है ना इसको हम लिख देते हैं 5 - रूट 3 अब उसके बाद देखिए a + b * a - b हो गया ना a + b * a - b का फार्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और b स्क्वायर का वैल्यू b का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस हो गया। अब उसके बाद देखिए 2 दूना 4 हो गया और गुने फिर देखिए यहां पर जो है ना a + b * a - b है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और उसके बाद जो है ना रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसको देखिए 4 हो गया 3 में से 1 गया तो 2 हो गया 25 में से 3 गया तो कितना हो गया 22 हो गया। अब उसके बाद गुना कर दीजिए 4 * 8 8 * 16 8 * 16 = 17 176 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है।
तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एसएससी एलबीसी में 2014 में पूछा गया था। कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखिए 0.2 कंप्लीट टू द पावर 3 गुणे 200 डिवाइड बाय 2000 ऑफ 0.2 का पावर 2 का मान का सरलीकृत मान क्या होगा। तो कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो देखिए अगर जो है ना वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती वक्त जो है ना निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं। रात के 9:30 बज रहा है और आप लोगों के लिए जो है ना रोजाना वीडियो जो है बनाने की कोशिश करते हैं और सारा मैथ जो है ना मैथ के जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर को जो है बहुत ही डीप में घुस कर जो है बहुत ही डीपली तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, वो भी मुफ्त में सारा वीडियो जो है ना आप तक जो है ना पहुंच रहा है। इसलिए जो है आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और मैथ में अगर वाकई में आप जो है ना प्रीत है तो आप जो है ना मैथ से यकीनन जो है ना छुटकारा पा लीजिएगा और मैथ आपका वाकई में बहुत ही शानदार जानदार हो जाएगा। जो भी जो है ना प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसके लिए भी, और जो है ना अगर उसमें कुछ खराबी नजर आता है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम जो है ना और सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि स्टूडेंट से ही जो है ना टीचर सीखता है, क्योंकि जो है ना स्टूडेंट ही सिर्फ जो है ना नहीं सीखता है टीचर से बल्कि टीचर को भी सीखने का मौका मिलता है। इसलिए आप लोग जो है ना जरूर कुछ कमी हो तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम जो है ना और सुधार करेंगे। अब देखिए 0.2 का पावर 3 है गुणे 200 डिवाइड बाय 2000 ऑफ 0.2 का स्क्वायर। तो देखिए ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो बोर्ड मास का नियम क्या है, बोर्ड मास यहां जो है बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है इसमें, तो सबसे पहले ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 0.2 का पावर क्या है, 3 है, तो 0.2 का मतलब हो गया कितना, 1/5 लिख दिए, कंप्लीट टू द पावर 3 हो गया गुने 200 फिर डिवाइड बाई ये हो गया 2000 का जो है ना डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 को हम डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.2 है ना, इसका मतलब होता है 1/5 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/5 का स्क्वायर 1/25 यानी कि 25 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, 25 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे यानी कि गुना कर देंगे 1/25 से, तो 1/25 से अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से अगर हम इसमें गुना कर देंगे 1/25 से गुना कर देंगे तो 25 × 8 = 200 यानी कि 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। अब उसके बाद देखिए 1/5 का क्यूब मतलब हो गया आपका 1/125 गुने 200 और डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो बटा में कितना हो गया 80 हो गया है ना, क्या हो गया 80 हो गया। अब उसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह हो गया 2 × 8 5 × 20 फिर देखिए उसके बाद ये वाला कट जाएगा 25 × 5 = 125 कितना गया 1/25 × 50 1/50 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए दोस्तों इस तरह के रूट अंडर वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अवरोही क्रम में इसको सजाएंगे, तो देखिए कैसे इसको अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में सजाना है, तो देखिए इसको जो है ना रूट से बाहर कर देंगे, तो इसको रूट से जब बाहर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे इसको लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर क्या हो गया 2 के पावर 2 = 4 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया और ये 3 जो है ना रूट अंडर वाला 3 जो है ना वो नीचे में आ जाएगा, ये वाला जो है ना नुकीला वाला पोर्शन में जो 3 छिपा हुआ है वो नीचे में आ जाएगा यानी 4 का घनमूल है। फिर देखिए कॉमा 2 के पावर क्या हो गया 1/2 फिर उसके बाद देखिए कॉमा 3 के पावर क्या हो जाएगा 1/6 कॉमा 5 के पावर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए नीचे वाला जितना भी नंबर है सबका एलसीएम निकाल लेंगे, तो देखिए 3, 2, 6, 4 सबका एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 12 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 12। अब उसके बाद देखिए 2 में यहां जो है ना 3 से 12 में भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 4 4 × 8 हो गया कॉमा फिर देखिए इस 2 से 12 में डिवाइड देंगे तो 6 हो गया फिर देखिए 3 ये जो है ना 3 के पावर कितना है 1/6 6 से जो है ना 12 में डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा 2 × 1 = 2 हो गया फिर उसका देखिए 4 हो गया 5 हो गया
क्या हो गया बेस 5 हो गया, 4 से भाग देते हैं 12 में तो 3 बचेगा। अब उसको देखिए इसमें जो है ना सबसे बड़ा जो है ना हम लिखेंगे, सबसे पहले बड़का वो लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 के पावर 8, 64 चौका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो 256 ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए 2 के पावर 6 यानी 64 हो गया, 3 के पावर 2 यानी 9 हो गया, 5 के पावर 3 यानी कि 125 हो गया। तो देखिए सबसे बड़ा जो है ना इसमें कौन है, ये है 2 के पावर 8। 2 के पावर 8 मीन्स हो गया आपका क्या, ये वाला नुकीला वाला भाग 4 का घनमूल। फिर उसके बाद देखिए इससे छोटा कौन है, इससे छोटा जो है ना आपका 125 यानी कि जो है ना आपका हो गया 5 के पावर 3 है ना, क्या हो गया 5 के पावर 1/4 यानी कि जो है ना ये वाला यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा, बाकी सब में जो है कहीं पर मिल रहा नहीं मिल रहा। फिर आगे देखिए इससे जो है ना फिर इससे छोटा कौन है, 64 है, जो कि 64 जो है ना किसका मान है, 64 जो है ना इसका मान है। तो यहाँ पर ये वाला आ गया और लास्ट में तो वो हो गई करेगा कोई ना कोई, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है ना द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है, इसमें मूलों का जो है ना गुणनफल ज्ञात करना, तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे इसको निकालेंगे, मूलों का गुणनफल कैसे निकलेगा, समीकरण x²-√3 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है, अगर जो है इसको सॉल्व कर देंगे तो आप लोग जो है ना फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए समीकरण x²-√3 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए कोई भी जो है ना अगर जो है आपको द्विघातीय समीकरण बनाना है, अगर आपको जो है ना द्विघातीय समीकरण बनाना है तो द्विघातीय समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला होता है ना x²-α+β(x) + α(β) = 0 हो जाता है। तो देखिए ये जो है ना आपका मूलों का गुणनफल हो गया, ये मूलों का जोगफल हो गया है ना, ये मूलों का जोगफल हो गया, ये x² हो गया। तो देखिए यहाँ x² है माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल के जगह पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या दे रहा, -3 दे रहा। ठीक है, यही हो गया मूलों का गुणनफल जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगर जो है ना इसको थोड़ा सा जो है ना और लॉन्ग प्रोसेस में अगर जाएंगे तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ हो गया ए बराबर में x² कोफिशिएंट जो होता है ना स्मॉल ए कहलाता है, तो ए बराबर क्या हो गया 1 और बी बराबर क्या हो गया कुछ नहीं x का कोफिशिएंट, बी जो है ना x का कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट x का कुछ नहीं तो 0 हो गया, और c4 कांस्टेंट क्या हो गया -√3 हो गया, तो डी बराबर क्या हो गया b²-4ac, तो बी के जगह पर कितना है 0 है, b²-4, ए के वैल्यू 1 और सी के वैल्यू कितना है -√3 है, तो -√3 तो क्या हो गया -±+4√3 हो गया। अब उसका देखिए यहाँ जो है ना रूट्स निकालना है, अगर रूट्स निकालना है तो क्या हो जाता है -b±√√d/2a हो जाता है फॉर्मूला। तो अल्फा बराबर में हो गया क्या -b क्या है यानी 0 है, बी का वैल्यू है 0 और उसके बाद जो है ना प्लस और √d क्या है 4√3 है, क्या है 4√3 बटा में 2 a का वैल्यू क्या है 1 और फिर देखिए बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, तो -4√3/2। अब उसको देखिए दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ हो गया माइनस, ये दोनों को जो है ना गुणा करेंगे ना तो रूट अंडर गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4√3 × 4√3। ये देखिए ये दोनों का जो है ना अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, इसका देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 2√3 और इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा दोनों को गुना कर रहे हैं तो हो गया उसका भी 2√3। अब बटा में कितना हो गया दोनों को गुना करें 2 × 2 = 4, क्या हो गया 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, दोनों को अगर हम गुना कर रहे हैं है ना, दोनों को गुना कर रहे हैं तो क्या हो गया 2 × 2 = 4 ही कट गया, तो √3 से √3 आपका जो है ना कैंसिल हो गया, √3 से √3 जो है ना कैंसिल हो गया, तो जो है आपका जो है ना 3 ही आ रहा, क्या आ रहा है -3 आ रहा, जो कि ऑप्शन में जो है ना कहीं पर भी जो है ना -3 नहीं दिख रहा,
माइनस थ्री ना कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं रूट्स पर हम क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए हो गया, तो अल्फा का मान हो गया क्या प्लस डी का वैल्यू कितना निकला है माइनस माइनस प्लस फोर रूट थ्री निकला है, फोर रूट थ्री, तो यहाँ हो गया यहाँ हो गया रूट अंडर डी का वैल्यू हो गया रूट अंडर लगा दिए फोर रूट थ्री बटा में टू ए, ए का वैल्यू है वन, अब बी बराबर कितना हो गया माइनस फोर रूट माइनस रूट अंडर फोर रूट थ्री बटा में टू हो गया, बटा में क्या हो गया टू हो गया। अब दोनों को अगर हम जो है ना मर्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं, दोनों मूल को अगर हम गुना निकालते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम इसका जो है स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्या टू है ना, ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया आपका जो है ना चार, तो चार हो गया। और यहाँ देखिए ये डबल रूट है ना लगा हुआ, चूंकि देखिए ये चार है तो चार का स्क्वायर रूट तो निकल रहा है, ओके चार का तो स्क्वायर रूट आपका जो है ना निकल ही गया, लेकिन यहाँ पर डबल रूट ना लगेगा, ये जो है आप जो है ध्यान देना भूल गए थे क्या, यहाँ जो है चार का स्क्वायर रूट निकल रहा और ये जो है ना इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, तो इसका तो स्क्वायर रूट लगा ही हुआ रह जाएगा ना, फिर देखिए इसका जो है ना स्क्वायर रूट निकलेगा दो और यहाँ पर जो है ना रूट अंडर लगा ही हुआ रह जाएगा, और उसका देखिए यहाँ माइनस है, अब देखिए यहाँ जो है ना चार है ऊपर में भी चार है कैंसिल हो गया, अब यहाँ जो है ना डबल डबल रूट अंडर लगा हुआ है ठीक है, तो इस रूट से इस रूट को जो है ना ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा गुना होने के बाद, तो एक रूट तो बचेगा ना, तो क्या बचेगा एक रूट जो है ना आपका बच जाएगा, यानी कि जो है दोनों को जो है ना गुना जब कर देंगे तो आपका जो है बचेगा क्या ये वाला रूट अंडर आपका गायब हो जाएगा, तो ये वाला आपका बचेगा रूट थ्री माइनस वन हो गया ठीक है, ये आपका जो है ना रूट थ्री बचेगा, तो आपका जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ना क्या आ जाएगा माइनस रूट थ्री ही होगा, तो सही है ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 के पावर n माइनस वन प्लस 2 के पावर n प्लस वन बराबर में 320 है, तो n का मान ज्ञात करें कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए यहां पर जो है ना 2 के पावर मिनिमम क्या है n माइनस वन है ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन उसी को लेते हैं जो मिनिमम होता है जो सभी में मौजूद होता है, तो देखिए यहां पर जो है ना 2 के पावर n माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहां पर 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा कॉमन लेने का मतलब ये हो गया कि अंदर वाला जो बचेगा ना उसमें बाहर वाला से डिवाइड देना, यानी n माइनस वन में n प्लस वन में डिवाइड दे देंगे तो क्या बचेगा 2 के पावर n बचेगा, क्योंकि देखिए डिवाइड में बेस समान तो पावर जुटेगा, क्योंकि देखिए ना ये दोनों में अगर हम गुना कर देते हैं गुना में बेस समान तो पावर जुटेगा ना, तो n माइनस वन प्लस टू यानी कि n प्लस वन हो जाएगा, इतना गया कि नहीं बराबर कितना हो गया 320। अब उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 2 के पावर 2 4 4 एक 5 यानी कि 5 से ये वाला कट जाएगा ना, कितना वाला कटेगा 6 5 30 और 5 का 20 64 हो गया, तो 2 के पावर n माइनस 1 बराबर में 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 बराबर के दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाता है, तो n माइनस 1 बराबर 6 तो n बराबर कितना हो गया 6 1 7 ये माइनस 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 6 1 7 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यदि 5 इंटू रूट अंडर 5 गुने 5 के पावर 3 है डिवाइड बाई 5 के पावर माइनस 3 बाई 2 बराबर में 5 के पावर a प्लस 2 है, तो a का मान ज्ञात करें, ये भी जो है एसएससी सीजीएल में 2014 में पूछा गया था, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए गुना में बेस समान रहता है तो क्या हो जाता है पावर जुटता है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पर बोर्ड मास का नियम रहेगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 हो गया रूट अंडर 5 गुने इसमें जो है इसे डिवाइड दे देंगे तो देखिए माइनस 3 हो गया डिवाइड बाई 5 के पावर कितना हो गया माइनस 3 बाई 2 बराबर में हो गया 5 के पावर a प्लस 2, अब उसके बाद देखिए यहां हो गया 5 रूट अंडर 5 डिवाइड में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, यहाँ 3 है ये माइनस 3 बाई 2 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 बाई 2 3 बाई 2 बराबर में हो गया 5 के पावर a प्लस 2, अब उसका देखिए यहाँ पर हो गया 5 इंटू ये रूट अंडर गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 1 बाई 2 गुने 5 के पावर कितना हो गया 3 दुना 6 6 3 9 9 बटा 2 बराबर में हो गया 5 के पावर a प्लस 2, अब उसके बाद देखिए गुना में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है,
इसका पावर कुछ नहीं तो एक है ना। अब उसका देखिए यहां जो है ना सब पावर को जोड़ देंगे तो यहां हो गया एक और एक बटा दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दो एक दो दो एक तीन, तीन बटा दो हो जाएगा, तीन बटा दो, तीन बटा दो और नौ को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नौ तीन बारह, बारह बटा दो हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया पांच के पावर ए प्लस दो हो गया। अब देखिए बराबर के दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाएगा, तो देखिए ये कितना हो गया छे, तो कितना हो गया छे बराबर में ए प्लस दो बचेगा, ये नीचे वाला बेस खत्म हो जाएगा तो ये प्लस दो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, तो छ में से दो गया तो क्या हो गया चार हो जाएगा, तो ए बराबर में चार हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों यहां जो है थ्री प्लस टू रूट टू के पावर क्या है माइनस थ्री, प्लस थ्री माइनस टू रूट टू कंप्लीट टू दी पावर क्या है माइनस थ्री, तो यहां पर जो है ना पावर क्या है निगेटिव में है, जब पर भी पावर निगेटिव में रहता है तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग जाता है ए के पावर माइनस एम बराबर में क्या हो जाएगा ए के पावर माइनस एम है तो वन बटा में ए के पावर प्लस एम हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू एंड कंप्लीट टू दी पावर क्या हो गया प्लस थ्री, क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा कंप्लीट के पावर हो जाएगा, ये ए के पावर एम है ना तो कंप्लीट के पावर हम एम लिख सकते हैं क्योंकि वन के पावर कुछ भी दे देते हैं तो वन ही ना होता है इसीलिए ए के पावर एम दे दिए थे। तो यहां पर देखिए इस तरह से कर दिए, फिर देखिए वन बटा में थ्री माइनस टू रूट टू एंड कंप्लीट टू दी पावर क्या हो गया प्लस थ्री हो गया, हो गया। अब उसके बाद देखिए वन का क्यूब तो जो है ना कोई मतलब ही नहीं है, वन के क्यूब से कोई मतलब ही नहीं है ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते थे यानी कि वही साइन यानी कि वन बाई ए के पावर एम हो गया, तो यहां पर हम लिख सकते थे तो यहां देखिए वन वन बाई इतना का पावर थ्री हो गया क्योंकि वन का पावर से वन का पावर कितनों भी दे देंगे तो वन ही होगा तो वन का पावर से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए उसके बाद जो है ना इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं इतना इतना का पावर थ्री, इतना का पावर थ्री हो गया। अब उसके बाद देखिए ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला ऊपर में जाएगा, फिर देखिए कंप्लीट टू द पावर थ्री फिर ये वाला ऊपर में जाएगा प्लस थ्री प्लस टू रूट टू कंप्लीट टू द पावर थ्री। अब ये देखिए फॉर्मूला हो गया, अब बटा में ये हो गया इन दोनों का एलसीएम ये है ना, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ और टू रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा आठ, तो नौ में से आठ गया तो ए कंप्लीट टू दी पावर क्या है थ्री है ओके। अब देखिए ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो है ना लगा देंगे, ये ए क्यू हो गया और ये आपका बी क्यू हो गया ठीक है, तो ए क्यू बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो है ना लगा देना है। तो यहां देखिए ए माइनस बी का होल क्यू है तो इसको जो है ना बारी बारी से तोड़ लेते हैं, फिर इसको भी तोड़ लेते हैं ठीक है, दोनों का जो है ना अलग अलग फॉर्मूला लगा लेते हैं ए माइनस बी का होल क्यू और ए प्लस बी का होल क्यू, इन दोनों को जो है ना क्यूब निकाल कर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो देखिए इसका जो है ना फॉर्मूला आ जाता है ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू बी क्यू, इन दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा यह देखिए माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया और यह देखिए ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू है, माइनस बी क्यू है तो माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए क्यू टू ए क्यू बचा टू ए क्यू बचा, फिर उसके बाद देखिए प्लस थ्री ए स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर सिक्स ए बी स्क्वायर बचा ठीक है, तो यहाँ ए क्या है थ्री है, ये ए है आपका थ्री और ये क्या है बी है ओके। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ टू ए क्यू है तो टू ए क्यू यानी कि थ्री का क्यू क्या हो गया सत्ताईस प्लस इसको जो है ये वाला तोड़े हैं इन दोनों को तो ये निकल कर आया है फॉर्मूला टू ए क्यू प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर प्लस सिक्स ए क्या है ए जो है आपका थ्री है और बी क्या है टू रूट टू का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा है ना, बट्टा में नौ में से आठ गया तो एक हो गया उसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो देखिए सत्ताईस दुना कितना हो गया सत्ताईस दुना चौवन
सताइस दुना चौवन प्लस छह तीन अठारह है ना, आठ तीन चौबीस छह, चौबीस छह छह चौका चौबीस छह दुना बारह एक सौ चौवालीस। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, चार चार आठ, पांच चार नौ एक, एक सौ अंठानवे आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है ना वैसा ही है जो बताए थे अभी, इसे जो है ना पहले बताए थे, टू के पावर एन माइनस वन माइनस प्लस टू के पावर एन प्लस वन, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर थ्री दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक समान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है ना थ्री के पावर एक्स माइनस वन कम है, तो इसका जो है ना थ्री के पावर एक्स माइनस वन कम है, तो सबसे कम वाला को जो है ना हम कॉमन निकालते हैं जो हर जगह पर मौजूद होता है, ठीक है, हर जगह पर मौजूद होता है। तो थ्री के पावर एक्स माइनस वन को कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, थ्री के पावर एक्स में हम इतना से डिवाइड दे देंगे, तो क्या बचेगा, तो एक्स में इतना से डिवाइड दे देंगे, तो ये वाला एक्स जो है ऊपर में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाला वन जो है ना ऊपर में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो थ्री के पावर क्या हो गया वन। यहाँ पर जो है ना थ्री के पावर क्या बचा, वन बचा, और यहाँ पर क्या बचा, वन बचा, बराबर कितना हो गया, चार सौ छियासी। अब उसके बाद देखिए तीन के पावर एक, तीन तीन में से एक घट गया तो कितना हो गया, दो हो गया, तो थ्री के पावर एक्स माइनस वन यहाँ पर हो गया दो, बराबर में हो गया चार सौ छियासी, काट दीजिए दो चार तीन। अब उसमें देखिए तीन के पावर क्या हो गया, एक्स माइनस वन बराबर में तीन के पावर यहाँ लिख सकते हैं ना पांच। अब देखिए बराबर के दोनों साइड बेस समान, तो पावर भी समान हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन बराबर में हो गया पांच, माइनस वन उधर जाके हो गया प्लस वन, तो पांच एक छह हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए धड़ धड़ा के, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।